क्षमा कीजिएगा, भ्राता दक्ष अचानक अस्वस्थ हो गए हैं, इसलिए मैं नारद भ्राता दक्ष का स्थान ग्रहण कर रहा हूं। हे भोलेनाथ, आपका स्थान सबसे ऊंचा और संबंध सबसे अधिक प्रिय है। यदि पुत्री गौरी से कोई भूल हो जाए तो अपने आप को श्रेष्ठ जानकर उसे क्षमा कर दीजिएगा। अपने पिता को क्षमा कर देना पुत्री, क्योंकि वे नहीं जानते कि कन्या के अक्षरों में कितनी शक्ति होती है। आज उनका अभिमान पराजित हो गया, उनका अहंकार चूर चूर होकर बिखर चुका है। अब उनके पास घृणा करने के लिए बचा ही क्या है। जा मेरी लाडली, जा अपना घर बसा, ससुराल जाकर अपनी मायके को न भूल जाना। माँ, अपनी माता को मत भुलाना। अखंड सौभाग्यवती भवा। गौरी, चल पुत्री। जाओ गौरी। आइए भोलेनाथ। तायश्री, आपने सचमुच पिता का धर्म निभाया है, आपका यह ऋण रहा मुझ पर। पुत्री, तू मां के घर से प्रसन्नता और सुख के पुष्प लेकर जा, ऋण का बोझ नहीं। देवी गौरी, अपने निवास स्थान कैलाश पर आपका स्वागत है। अपने शुभ चरण कैलाश की धरती पर रखकर इसे पवित्र कीजिए। मैं आप सबका आभारी हूं, आपने बारात में सम्मिलित होकर मेरा मान बढ़ाया है। इस बारात में सम्मिलित होकर हम सब ने अपना मान बढ़ाया है। महादेव जैसा सुंदर दूल्हा और देवी गौरी जैसी सुंदर दुल्हन की जोड़ी के दर्शन अब और हमें कहां होंगे। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। कहिए देवी, कैसा लगा आपको अपना नया निवास स्थान? स्वामी, आपने मुझे अपने हृदय में स्थान दिया, आपके हृदय से अधिक सुंदर स्थान भला क्या हो सकता है। नहीं देवी, मेरा तात्पर्य ये नहीं था, किंतु आपके पिता श्री दक्ष इस बात से चिंतित अवश्य होंगे कि उनकी पुत्री हिम से ढके कैलाश पर कैसे रहेगी। जैसे आप रहते हैं देवी। जब तक पुरुष अकेला रहता है वो अपने निवास स्थान की ओर ध्यान नहीं देता, किंतु अपनी अर्धांगिनी को लाने से पूर्व उसे अपने निवास स्थान की व्यवस्था कर लेनी चाहिए।
कैसा लगा आपको अपना नया निवास स्थान? हे महादेव, यदि आप आज्ञा दी तो स्वामिनी को मैं साथ ले जाऊं? अवश्य देवी, अपने भवन में प्रवेश कीजिए। आपका मान रखने के लिए मैंने पुत्री गौरी का विवाह शिव के साथ किया। यदि उसे किसी प्रकार का भी कष्ट हुआ तो इसके उत्तरदायी आप होंगे, केवल आप। बंद करो अपना नरगल प्रलाप, उसके सुख का तो तुझे ज्ञान ही नहीं है। सच तो यह है कि तुझे शिव शक्ति का अब तक आभास ही नहीं है, किंतु इसका आभास तुझे अवश्य होगा। तुझे शिव शक्ति के दर्शन भी अवश्य होंगे। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है, मैंने तुझसे पहले संकादिक ऋषियों की रचना की, नारद की रचना की, मनु को इस संसार में लाया, उसके पश्चात के मानव भी, किंतु तेरे जैसा हठी, अहंकारी और आडंबर में विश्वास रखने वाला इनमें से एक भी नहीं। अब मैं चलता हूं, यदि हो सके तो नारद को धन्यवाद अवश्य देना, उसने तेरे सम्मान की रक्षा की और पुत्री गौरी को सम्मान पूर्वक यहां से विदा किया। पिताश्री, उन्हें मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा, वही इसके सबसे बड़े कारण है। मेरी पुत्री गौरी हिम से घिरे हिमालय पर खुले आकाश के नीचे अनगिनत कष्ट सहती हुई उस निर्धन निर्लज्ज शिव के साथ बैठी होगी। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का शक्ति कक्ष है। इस कक्ष के भीतर आपके अतिरिक्त किसी और को जाने का अधिकार नहीं है और ना ही किसी में इस कक्ष के भीतर जाने की क्षमता है। समस्त अतिथिगण सम्मान पूर्वक विदा हो गए। जिन्हें आपने निमंत्रण देकर बुलाया था उन्हें पुत्री की विदाई से पहले ही आपने बुला दिया। अतिथियों को घर बुलाना और उनसे ना मिलना क्या कोई क्षम्य कार्य था? परंतु आपको कौन समझाए, आप ना तो अच्छे पिता होने का धर्म निभा सके और ना ही अच्छे अतिथि सत्कार करने वाले का। देवी, शांत हो जाइए स्वामी, और वैसे भी आपको शांति तो मिल ही चुकी होगी। संसार में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी पुत्री अपने पिता के द्वार से इस प्रकार विदा हुई हो। विदाई के समय पिता घर में था और पुत्री उसे मिल ना सकी, उसे देख ना सकी। वो रोती बिलखती अपने हृदय में उदासी का भार लिए चली गई। देवी, मैंने जो भी किया उचित किया, जो जिस योग्य था मैंने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया। और सत्य तो यह है कि मुझे गौरी के इस प्रकार विदा होने का तनिक भी दुख नहीं है। आपको दुख क्यों होगा? आप आदि प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र जो ठहरे, श्रेष्ठ प्रजापति, प्रकांड पंडित, महान विद्वान। आप मुझ पर व्यंग कर रही हैं देवी। मैं आप पर व्यंग कैसे कर सकती हूँ? यदि सभी पिता अपनी कन्याओं के साथ इसी प्रकार व्यवहार करने लगे तो विधाता कन्याओं को जन्म देना ही बंद कर देगा। देवी, आप बौर आ गई हैं, आपकी मानसिक दशा ठीक नहीं है। मेरी मानसिक दशा कैसे ठीक हो सकती है, जिसने कुछ ही समय पूर्व अपनी लाडली पुत्री को
बिना पिता के आशीर्वाद के विदा किया है। आपकी मानसिक दशा तो ठीक है ना, आप उसी में संतुष्ट रहिए। मैं तो हाथ जोड़कर सहस्रों बार भगवती परमेश्वरी को नमस्कार करती हूँ कि उनकी कृपा से मेरी पुत्री सकुशल अपने पति के घर चली गई। देवी सती, शक्ति कक्ष में आपका स्वागत है देवी। हे प्रभु, हे स्वामी, ये मैं क्या देख रही हूँ? मैं शिव की अर्धांगिनी हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ ये कोई सपना नहीं, यथार्थ है, कल्पना नहीं, सत्य है। किंतु आपका ये रूप, देवी, आप शिव की अर्धांगिनी हैं और आप जो कुछ भी देख रही हैं, ये केवल आप ही देख सकती हैं, अन्य कोई देख नहीं सकता। मेरा ये रूप आप ही की दृष्टि है, आप ही की भावना है, और मेरा ये रूप केवल आप ही के लिए है। सारी सृष्टि के लिए मैं संहार करता शिव हूं, किंतु आप शक्ति हैं, प्रकृति हैं, नारी हैं, और मैं आपके रचना कार्य में आपका सहयोगी हूं। देवी, इस कक्ष के बाहर मैं शिव हूं, किंतु इस कक्ष के भीतर मैं आपका अर्धांग हूं और आप मेरी अर्धांगिनी हैं। देवी, पति पत्नी का संबंध बहुत ही पवित्र होता है, पावन होता है, मधुर होता है, और इस संबंध की साक्षी उनके कक्ष की दीवारें होती हैं। देवी, अब आप मुझे सदा ही इसी रूप में देखेंगे, क्योंकि मैं आपके अंतर्मन का शिव हूं और आप शक्ति हैं। हे शक्ति, हे शिव, हे शक्ति, हे शिव, हे शक्ति, हे शिव, हे शक्ति। नारायण नारायण। आइए देवर्षि नारद, आपने अपने सेवक को याद किया प्रभु। राधा दक्ष के यहां मुझसे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई? इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है देवर्षि, कि आप जैसे महान वैरागी इतने व्यवहार कुशल और भावुक होंगे, इसका ज्ञान तो मुझे भी नहीं था। आपसे क्या छिपा है त्रिलोकीनाथ, पर मैं क्या करता। दाता दक्ष पुत्री गौरी पर अन्याय करने जा रहे थे, मैं बैरागी हुआ तो क्या हुआ, अपनी पुत्री पर मैं अन्याय कैसे सहन कर लेता। और सच पूछिए तो पहली बार मुझे यह ज्ञात हुआ कि मानव मोह माया के बंधन में कैसे बंध जाता है। इसीलिए तो आपके नाम का भजन कीर्तन करने वाला ये नारद जब अपनी पुत्री गौरी को विदा करने लगा तो उसके नेत्र भर आए। ये तो मैंने देखा देवर्षि, आप तो जानते हैं
कि आप और प्रजापति दक्ष दोनों ही ब्रह्मा जी की संतान हैं। आपके स्वभाव और सरलता पर जितना अभिमान किया जा सकता है, उतना ही अहंकार और अभिमान पर दुख प्रकट किया जा सकता है। और इसीलिए तो कहा जाता है कि आधी जल से भरी गगरी सदैव छलकती रहती है। उधर भगवान शिव को देखिए, यदि उनके स्थान पर कोई और होता तो इतना अपमान करने वाले दक्ष का तुरंत वध कर देता है। किंतु जहां शक्ति है, संयम है, वो शिव है, और जहां पाखंड है, आडंबर है और व्यर्थ का अहंकार है, वो दक्ष है। प्रभु, ये बताएं कि कहीं मैं मोह माया के बंधन में तो नहीं बंध गया? मैं ही देवर्षि नारद, आपने तो एक सच्चे संत होने का उदाहरण दिया है। जिस संत के हृदय में करुणा नहीं, ममता नहीं, दूसरों के प्रति मंगल की भावना नहीं, वो नारद हो ही नहीं सकता। मैंने आपका स्मरण इसलिए किया था कि भगवान शिव को उनकी शक्ति गौरी से मिलवाने में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रभु, आपके मुख से यह बात सुनकर मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। नारायण नारायण।